तो यार देखो, जब से सौरभ जोशी इंडिया में फेमस हुआ है ना, सबको लगता है कि मैं भी व्लॉगर बन सकता हूँ। सौरभ जोशी करता ही क्या यार, हकते हुए तो डाल देता है। गजब बेइज्जती है। अब इनको कौन समझाए यार कि उसके पास कंटेंट है, कंटेंट समझ रहे हो। तो अगर थोड़ा बहुत भी तुम यूट्यूब से अपडेटेड रहते होगे तो तुम्हें पता होगा कि यूट्यूब पे एक नया बकचोदी वाला ट्रेंड चल रहा है, माय फर्स्ट व्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक, वेलकम बैक। ये इसका फर्स्ट व्लॉग है और वेलकम बैक। ये भगवान क्या जुलूम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की वीडियो देखने के बाद मुझे फिनाइल के नशे करने पड़ जाएंगे। मुझे लगा यार चलो ये पहला व्लॉग है, थोड़ी मोड़ी गलतियां हो जाती है, इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन भाई जो इसे टाइटल डाल रखा था ना, वो देखने के बाद मैं इसके घर वालों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने घर का डाटा कनेक्शन कटवाओ और इसको यार पढ़ाई लिखाई के लिए भेजो, क्योंकि एक लाइन लिखने में ये 420 गलतियां कर रहा है। माई फर्स्ट व्लॉगर इन यूट्यूब इन भाई इंडिपेंडेंस डे होता यार, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यार इसके घर वालों से इसको पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। कहाँ से तुम इसको यार फोन पकड़ा दिया हाथ में। ये तो वही बात हो गई कि तुम अंधे के हाथ में AK-47 पकड़ा दिए। तो खैर इसको करो इग्नोर बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी क्रश तुमको करती है, और चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉगर की तरफ। ओहो तुम क्रिएटिविटी देख रहे हो, 55 सेकंड की वीडियो में 12 सेकंड तक तो भाई पर्दे वर्दे खुल रहे हैं कि क्या ही आ रहा है। गाइस कैसे आप सब। हाँ अब तक बहुत अच्छे थे भाई, लेकिन तेरी वीडियो देखने के बाद बस सोच रहे हैं कि फिनाइल के नशे करें या डिटॉल के। आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आपका अपना दोस्त वैभव सिंह स्वागत करता हूँ वैभव ठाकुर ब्लॉग में। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। चल ठीक है यार, तेरी वीडियो डिसलाइक मार देंगे लेकिन पहले तू वीडियो तो दिखा करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी है। तो गाइस आप लोग को पता ही है किसी भी क्रिएटर को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है, तो गाइस आप लोग जरूर से जरूर सपोर्ट करें। ये देखने के बाद इसके पापा भी सोच रहे होंगे कि काश काश मैंने जो इसके पढ़ाई पे खर्च किया वो पैसा मैं बैंकॉक में अय्याशी में उड़ा देता, वो एक बार मेरे को चल जाता। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो। अबे वीडियो थी कहां भाई, नहीं 55 सेकंड में तो तूने डिजिटल भीख मांग रखे थे, पीछे बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक लगा के और अपनी ऐसी शक्ल बना के जैसे 3 दिनों से तूने टट्टी रोक रखी है। दोस्तों आगे बढ़ने के लिए सबको सपोर्ट की जरूरत होती है और हर कोई किसी न किसी को सपोर्ट करता है। बस यार मैं डिजिटल भीख मांग रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। बस तुम यार सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा फिर भी तुम कमेंट कर दो वीडियो तुम्हें कैसी लगी। नहीं कल से मैं भी यही करने वाला हूँ। तो तरीका है भीख मांगने का। हे गाइस आप सब कैसे हो, आई होप सब ठीक होंगे। फाइनली मैंने भी ये डिसाइड कर लिया कि मैं भी आज से ब्लॉग बनाऊं। बहुत ही गलत डिसाइड कर लिया भाई तूने, बहुत ही गलत। मैंने ब्लॉग बनाना इसलिए शुरू किया है क्योंकि मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूं। ये सही था भाई, इसकी हॉनेस्टी मुझे बहुत कोई काम नहीं है फ्री है तो चलो व्लॉग ही बना ले। हाल फिलहाल इंडिया के व्लॉगर्स का यही हाल है भाई कि कुछ नहीं है यार, क्या करने को है, चलो यूट्यूब पे ही हकते हैं। बहुत हक चुके हैं यार अपने घर में, अब मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा डिजिटली हुआ जाए। डेली लाइफ स्टाइल व्लॉग आते रहेंगे, डेली इसके लाइफ स्टाइल व्लॉग आते रहेंगे भाई। लाइफ स्टाइल बस ऐसी लाइफ मुझे जीनी है, देख रहे हो इसकी लाइफ क्या लाइफ है यार। अभी दूसरा हाथ दिखा देगा तो हाथ में लोटा होगा।